मैं राजेश कंडवाल सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा हिंदुस्तान शहीद परिवारों के साथ खड़ा है और एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बहादुर सैनिक इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का सही समय पर सही स्थान पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। मैं मनवर सिंह, एक्स सुजार मेजर फ्रॉम आर्मी एजुकेशन को, प्रेजेंटली वर्किंग एज एकेडमिक हेड इन डून डिफेंस एकेडमी। 14 फरवरी की घटना से सारे देश में एक शोक की लहर है। कहीं जाबाजों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनफैक्ट दे मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द सर्विस ऑफ नेशन। लेकिन ये हम सब के लिए दुख की घड़ी है और सबसे ज़्यादा शोकाकुल हैं वो शहीद परिवार जिन्होंने इन शहीदों को खोया है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि शहीद परिवारों को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की शक्ति दें। हम सबकी संवेदनाएं, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूँ तहे दिल से। जय हिंद। आज DDA की तरफ से, डून डिफेंस एकेडमी की तरफ से पुलवामा शहीद वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है उनके परिवार के साथ हम सब एक साथ खड़े हैं। जय हिंद। मैं ऑनरी कैप्टन आरजी पंत अपनी तरफ से इन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में उनके परिवारों को डाट सा बनाए और वो आगे अपने आप को तैयार करें। नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुनियाल है। मैं पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति हमारी उदारता रहेगी। मैं कहना चाहता हूं उन शहीदों से कि तुम्हारी ये कुर्बानी, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सब डून डिफेंस एकेडमी की सारा आपके परिवार के साथ में है। जय हिंद, जय भारत। मैं निर्मल सिंह, पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उन जवानों को डून डिफेंस एकेडमी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस बड़े में उनके जीने का सहारा मिल जाए, उनको ताकत दे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नितिन वर्मा है। मैं DDA में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और हम सब की तरफ से, DDA की तरफ से आप सबके परिवार वालों को नमन कि आप लोगों ने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया और आपके परिवार को हमेशा ताकत मिले, शक्ति मिले और भगवान हमेशा आपको ताकत दे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनोज बालियाल है। मैं मेरी तरफ से, DDA टीम की तरफ से, पूरे देश की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उन्होंने देश के लिए अपना जो बलिदान दिया है उसके लिए यह देश का हर नागरिक उनका आभारी रहेगा। भगवान की आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस दुख को झेलने का आत्मबल दे। थैंक यू। मैं प्रकाश खंडवाल, DDA की टीम से और अपनी तरफ से सभी जो शहीद हुए हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके परिवार को और उनको ताकत दें और इस दुख की घड़ी में सारा देश उनके परिवार के साथ है। और जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशतगर्दों ने यह काम किया है उनको हमारा देश एक मुंह तोड़ जवाब देगा। गुड मॉर्निंग, मैं संजय थापा, DDA के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ और DDA की टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके परिवार को आत्मबल दे और मैं उनकी शांति की कामना करता हूँ। माय नेम इज उत्तर स्वस्ती। आई रियली कंडेम द एक्ट ऑफ पुलवामा दैट जैसे मोहम्मद हैड डन देयर। नो रीजन वॉन्ट द लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल एंड द होल नेशन इज स्टैंडिंग बाई द फैमिलीज ऑफ द मार्टियर्स एंड ऑल आई नीड टू से दैट इज दैट वी विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज ऑफ दिस अटैक। ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट पे बैक टू देम। थैंक यू। जय हिंद। मैं आदर्श कुमार, बिहार से हूँ और इस DDA में फौज के लिए, फौज के योगदान के लिए यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ और आज पुलवामा में हुए निंदनीय घटना के ऊपर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं और उस पर पाकिस्तान की बुरी हरकत के ऊपर पाकिस्तान के लिए दो लाइन है। जो जो पहली बार गलती करे उसे नादान कहते हैं,
जो दो बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो तीन बार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। जय हिंद जय भारत। नीतीश मिश्रा, DDA का स्टूडेंट हूँ, और मुझे ये लगा पुलवामा हमले के बाद मुझे अपने जवानों पर पूरा भरोसा, वो बदला ले लेंगे। जय हिंद। जय हिंद। मैं रितेश श्रीवास्तव, DDA का स्टूडेंट, मैं पुलवामा शहीदों को सबसे पहले दिल से नमन करता हूँ। उन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया है, जिसके लिए वो पूरा देश उनके कदमों में सर झुकाता है, और हम जैसे युवाओं को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने हमारे अंदर जोश भरा है इस फौज को में अंदर जाने के लिए। जय हिंद। मैं सर्वेश, आज मैं आपको जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ, और उनके परिवार पे जो विपत्ति आन पड़ी है उनको भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे कि वो इस विपत्ति का सामना कर सके। मैं मुकेश कुमार सिंह, पुलवामा में जो जवान हमारे शहीद हुए मैं उनको नमन करता हूँ, और मैं उनके परिवार के सहानुभूति देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो दुश्मन है वो ये ना सोचे कि इनकी ये जो मतलब घृणा वाली कार्य है उनसे हम डर जाएंगे। ये हम इसको अपनी मजबूती बनाएंगे और इसी पे अमल करके हम उनको जवाब देंगे। वो हमारे 10 जवान मारेंगे, हम उनके 100 मारेंगे। जय हिंद। जय हिंद भाइयों। मैं अमोल मिश्रा, और मैं जो अपने पुलवामा में शहीद सैनिक हुए मैं उनको नमन करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनके परिवार को शक्ति दें ताकि वो इस कठिनाई को सहन कर सकें। जय हिंद। मैं अरुण कुमार, मैं पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों के परिवार के साथ हूँ, और मेरा उनको सत सत नमन। मेरा कहना है कि मैं वादा करता हूँ सभी परिवारों से कि मैं भारतीय सेना को ज्वाइन करके उसकी वर्दी को पहनकर मैं उन सभी शहीदों जवानों और जो भी हुए हैं अभी तो उनका मैं बदला लूँगा। जय हिंद।